गुड मॉर्निंग दोस्तों, आर्टिकल 55 देखते हैं। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कैसे किस कंडीशन में कैसे कैलकुलेट किया जाता है प्रेसिडेंट विनर हुआ जीता, ठीक है। मैनर क्या होता है। एज फार एज प्रैक्टिसेबल देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट एट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का रोल रहता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, टोटल नंबर ऑफ MLA MP कैसे वोट करेंगे उस चीज़ में। अब क्या एक मेथड है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट को वोटिंग होती है उनकी और प्रेसिडेंट आता है पावर में, कैसे क्या होता है। देखो, अपन फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया। इतने टोटल पॉपुलेशन है वहाँ की, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर MLA वहाँ पे, इलेक्टेड जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ के टोटल मेंबर अज्यूम कर रहे हैं अपन ऐसे ही, 240 है मान लो। तो भैया एक MLA विल वोट कितने वोट कर सकता है, एक MLA के पास कितने वोट होंगे, वोट करने की पावर होगी। तो भैया के ऊपर वोट लगा लो यार, तो एक MLA विल वोट कितने करेगा, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई 240 इंटू में 1/1000। तो मान लो अप्रोक्स वैल्यू आती है 300.211। तो हम एस्टीमेट अप्रोक्स वैल्यू ले लेंगे 300। अगर ये 250 से ऊपर आती तो हम लेते 301, ठीक है। तो ये तो आगे हमारे एक MLA की टोटल वोट। अब ईच MLA विल वोट 300, ठीक है। टोटल MLA वोट कितने करेंगे, जो हमारे MLA थे वो 300 गुना में 240 जो हमारे पास वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वो आ गई राजस्थान के जो टोटल MLA हैं वो इतने वोट करेंगे, ठीक है। अब अपने को क्या करना है भाई, अब क्या होता है कि टोटल वोट ऑफ MLA ऑफ ईच स्टेट असेंबली, टोटल वोट ऑफ MLA ईच स्टेट ऑफ असेंबली, मतलब इसमें सारे स्टेट के असेंबली है ना जो MLA, वो निकाल के वो टोटल मान लो ये आ गए भाई, बड़ी संख्या आ जाती है, कोई बात नहीं, ये आ गए हर एक स्टेट के ऐसे ही निकाल लेंगे MLA के कितने वोट करेंगे हर एक स्टेट की। ऐसे निकालने के बाद मान लो टोटल हो जाते हैं अपने पास इतने 64,540। अब आते हैं हमारे, ये तो हो गए MLA, अब आता है हमारे MP साहब का रोल। टोटल MP इन राज्यसभा लोकसभा में मान लो है 850 हैं, और भाई एक MP विल वोट कितने करेगा, तो टोटल वोट ऑफ MLA ऑफ ईच स्टेट असेंबली, ये जो असेंबली टोटल वोट आए हैं हर एक स्टेट के असेंबली के जो टोटल आए हैं, राजस्थान दिल्ली राजस्थान हरियाणा UP सब के जो असेंबली के MLA के जो वोट होंगे टोटल, उनको हम डिवाइड कर देंगे जो राज्यसभा लोकसभा के टोटल MP है उनसे। उनसे डिवाइड करने के बाद मान लो अप्रोक्स कुछ वैल्यू आती है यहाँ पे, तो टोटल वोल ये तो एक MP की आएगी ना, एक ये तो एक MP की वैल्यू आएगी, तो टोटल MPs विल वोट कितने करेंगे, तो एक MP की जो ये वैल्यू आएगी ये इंटू में 850, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो, तो टोटल जो MP होंगे वो कितने वोट करेंगे, वो आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, ठीक है भाई। ये तो होगी एक चीज़, और ये होगी MLA की एक चीज़ सारे स्टेट की, ये सारे स्टेट की ये तो सारे स्टेट ये हो सॉरी यहाँ पे जो वैल्यू आई थी वो राजस्थान असेंबली की MLA विल वोट टोटल MLA, और ये MPs हो गए, ठीक है। अब देखो भाई, अब क्या होता है, मोड ऑफ वोटिंग कैसे होता है भाई। मान लो अपने टोटल वोट निकाल लिए भाई, टोटल वोट आए मान लो MP और MLA के 20,000 मान लेते हैं अपन, कि जो अपन ने निकाले हैं वो जो इन प्रेसिडेंट इलेक्शन टोटल वोटिंग इन वोट्स पे होगी भाई, इन इतने नंबर ऑफ वोट है ना जो अपन ने निकाले हैं हर एक स्टेट के टोटल स्टेट की, तो उन वोट के ऊपर होंगे प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन, MP और MLA जो हमने निकाले हैं पीछे टोटल। अब क्या है कि प्रेसिडेंट
इलेक्शन के लिए चार आदमी खड़े हो गए भाई, ए बी सी डी, फोर मेंबर हैं, तो कौन प्रेसिडेंट बनेगा? दैट पर्सन विल बी विन हु गोट, मान लो टोटल वोट थे ना 20,000, मान लो सारे एमएलए और एमपी के हर एक स्टेट के जोड़ के, तो जो आदमी जो प्रे जो कैंडिडेट जो उठा हुआ है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वो 10,000 एक वोट लिया आएगा तो जीत जाएगा। बट अगर भाई आधे तो किसी का आते नहीं, चार आदमी खड़े हुए हैं तो डिवाइड हो जाएंगे वो तो चारों में, ऐसा नहीं कि एक के पास हो भी सकता है, चांस ऐसे होते हैं। लेकिन अगर मान लो बट इन केस पहला कैंडिडेट लेता है 6,200, दूसरा इतने, तीसरा इतने, ज़रूरी नहीं है कि 20,000 का क्राइटेरिया पूरा हो, इतने वोट आते हैं फर्स्ट स्टेज में, तो इन दिस केस जो जिसके कम वोट आए हैं वो कैंडिडेट हो जाएगा रिमूव ऑटोमेटिकली, और उसके जो वोट है ना वो इन तीनों में जो बच गए तीन उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ना कि इक्वली, वो उसके हिसाब से वो अपने वोट किसको कितने देने चाहे उसके हिसाब से हो जाता है। फिर क्या होता है भैया, तीन आदमी बच गए, फिर दूसरी स्टेज की वोटिंग होती है, उसमें क्या होता है, मान लो ये तो जो बी ने दिए, बी गए ना, हाँ बी ने दिए जो वोट इनको, तो इनके लगा के इनके टोटल वोट बन गए इतने। अब जिसके जो कम वोट हैं, जो कैंडिडेट जिस कैंडिडेट के कम वोट हैं, मान लो किसके कैंडिडेट के कम वोट थे, जो डी था, डी कैंडिडेट के वोट कम थे इन तीनों में से, तो वो हो गया रिमूव्ड ऑटोमेटिकली। अब उसने अपने वोट दे दिए, ए को दिए 1200 और सी को दे दिए 1460, अब इन दोनों में से जिसके ज़्यादा वोट हैं वो बन जाएगा प्रेसिडेंट, सिंपल सी कहानी, ठीक है, वो बन जाएगा प्रेसिडेंट, बना दिया हमने प्रेसिडेंट। तो ये था आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। थैंक यू गाइज, होप आपको अच्छी लगी होगी, ज्ञान लेते रहो, पढ़ते रहो।